वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं भी जयशंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एजेंट लोग 100% तत्काल टिकट बुक करते हैं। जी हां, अगर आप IRCTC के साइट में विजिट करते हैं, आप अपना तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर आप सीजन में तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपका टिकट बुक नहीं होगा। आप जाएंगे किसी एजेंट के पास, वहाँ पे बोलेंगे कि मुझे इस डेट में एक टिकट चाहिए, दो टिकट चाहिए, चार टिकट चाहिए, तो वो बंदा आपसे बोलेगा कि अगर आपका टिकट का फेयर जो है 500 रुपये है, तो वो बोलेगा कि 1000 रुपये लगेंगे, 900 रुपये लगेंगे, 800 रुपये लगेंगे, जो भी लगेंगे, वो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करता हो वो एजेंट, वो बोलेगा उतना आपको देना पड़ेगा और आपका टिकट मिल जाएगा। और सच में वो लोग देते भी हैं, पब्लिक सफ़र भी करती है। और यहाँ पे जो कमाल की बात तो यह है कि हमारा ही टिकट, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हमें टिकट मिल जाता था, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, हमारा ही टिकट हमें ही 500 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद वो लोग हमें टिकट देते हैं और वो बड़े ही आसानी से बुक कर जाते हैं। तो कैसे बुक करते हैं, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी मैं हेल्पफुल वीडियो आगे बनाता रहूँ। सो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें। ऐसा अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं एक केवल बेसिक जानकारी, एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर में और हम खुद जाते हैं IRCTC के साइट में विजिट करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो पहली बात ये होती है कि अगर हम IRCTC के साइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपना यूज़र ID, पासवर्ड देते हैं, कैप्चा देते हैं, फिर हम लॉगिन होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में जो होता है वो बिल्कुल पहले से ही IRCTC की जो भी यूज़र ID है वो फिल कर ली जाती है, पासवर्ड फिल कर लिया जाता है, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक ऑटो लॉगिन, मैनुअल लॉगिन का ऑप्शन आता है। ऑटो लॉगिन का मतलब कि वो ऑटो लॉगिन पे जैसे क्लिक कर देंगे तो ऑटो लॉगिन वो हो जाएगी। एक वो लोग पेयर ओपन करते हैं, दो पेयर, चारे पर जो भी ओपन करते हैं और करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आप जाएंगे IRCTC साइट पे, लॉगिन करेंगे, पैसेंजर गाड़ी सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे गाड़ी भी पहले से ही सेलेक्ट की जाती है, वहाँ पे पैसेंजर की डिटेल्स पहले से ही फिल कर दी जाती है, पैसेंजर का नाम, एज, जो भी मेल फीमेल है उसकी एज फिल कर ली जाती है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप IRCTC के साइट पर बुक कर रहे हैं, आप चाहे क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हो, डेबिट कार्ड आपने लगाया हो, या फिर आपने नेट बैंकिंग यूज़ किया हो, तो इन सभी केसों में आपके नंबर पे एक OTP आता है, वो OTP फिल करते हैं, फिर वो पेमेंट होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे कोई भी OTP नहीं आता है, ऑटोमेटिक बाईपास कर दिया जाता है, और यहाँ पे वो लोग बिल्कुल ही OTP डालने की ज़रूरत नहीं होती, उनका टिकट बुक हो जाता है। तो इसलिए उन लोग बड़े ही आसानी से 51, 52, 55 जो भी लगता हो, 51, 52, 53 सेकेंड में वो टिकट बुक कर जाते हैं, चाहे किसी भी हार्ड रूट की लाइन हो, लाइक मुंबई से दिल्ली, मुंबई से UP हो, मुंबई से बिहार हो, बिहार से दिल्ली हो, दिल्ली से बिहार हो, जो भी हो, जो हार्ड रूट के टिकट हैं वो लोग बड़े ही आसानी से बुक कर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर का एक झलक दिखाता हूँ कि कैसे लोग ऐड करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो बनाने का मतलब केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है, आप इसका गलत उपयोग करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मुझे भी ये सॉफ्टवेयर एक बंदे से मिला है और मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं बताने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम भी मैं यहाँ पे रीनेम कर दूँगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो सॉफ्टवेयर कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ID का, यहाँ पे मिलता है बैंक का, यहाँ पे टिकट, यहाँ पे टूल्स, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन देते हैं जो आपको यहाँ पे यूज़ करते समय टूल्स होता है, कुछ ऑप्शन होता है जो रिक्वायर्ड होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ID पे क्लिक करते हैं लोग, और यहाँ पे वो अपने यूज़र ID और पासवर्ड देके सेव कर देते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे बैंक में, यहाँ पे एड बैंक पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे एड बैंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी बैंक अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपना बैंक दे सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी देना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना है और यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक OTP आता है, वो आपको यहाँ पे फिल करके सेव करेंगे तो ये OTP बाईपास हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से बैंक जो भी है यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिए जाते हैं कि किस बैंक आपको लगाना चाहते हैं, कौन से बैंक को आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर दे देंगे, यहाँ पे जैसे कार्ड टाइप जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मास्टर वीजा। यहाँ पे आप अपना जो भी कार्ड नंबर है, एक्सपायरी, CVV, ATM पिन, होल्डर नेम, पिन, आप यहाँ पे सब कुछ दे देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो आता है वो आता है टिकट का। यहाँ पे न्यू टिकट पे जाते हैं और यहाँ पे जहाँ से भी जहाँ टिकट बनाना हो वो लोग यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ डाल देते हैं, डेस्टिनेशन जो भी आपका सोर्स स्टेशन है वो डालने के बाद आपको यहाँ पे वो अपनी गाड़ी जो भी गाड़ी नंबर होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फाइन ट्रेन पे देखते हैं, यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी भी ट्रेनें होती हैं वो यहाँ पे शो कर जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिस गाड़ी में उनका टिकट बनाना होता है उस गाड़ी को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे हमने एक गाड़ी सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी गाड़ी है वो लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कि आपको स्लीपर का बनाना है, AC का बनाना है, किसका बनाना है, प्रीमियम, तत्काल में, तत्काल में, जनरल में। तो अगर उन लोग तत्काल में बनाते हैं, मान लीजिए स्लीपर यहाँ पे सेलेक्ट किए, तत्काल में अगर बना रहे तो यहाँ पे स्लीपर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो भी गाड़ी है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, स्लीपर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे CK पे क्लिक कर लेते हैं जो तत्काल होता है। इसके बाद आप यहाँ CK जो प्रीमियम तत्काल होता है, जनरल प्रीमियम होता है, तो आपको यहाँ पे उन लोग जनरल पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, वो करने के बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे अपना जो भी ID जो पहले एड करते हैं वो ID यहाँ पे शो करती है, ID एड हो जाती है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे लेते हैं, यहाँ पे जो भी है जो स्लॉट होता है इन लोगों का, एक साथ में कितना टिकट बुक कर सकते हैं तो यहाँ पे वो दिया जाता है, वो आप यहाँ पे दे दें। यहाँ पे बुक ओनली कन्फर्म जो IRCTC के साइड पे जो ऑप्शन मिलता है वो सभी चीज़ यहाँ दी जाती है। यहाँ पे डेबिट कार्ड अगर लगाना है तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड दे देते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग, यहाँ पे जो अगर आप तत्काल लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4 खाने मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको सभी में पैसेंजर डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे सेव यस पे क्लिक कर देते हैं और ये सारी डिटेल्स सेव हो जाती है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी हमने सेव करना नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। ऑप्शन में जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि स्टॉप ऑटो पेमेंट, ऑटो फिल कैप्चा, अगर इन सब पे आप क्लिक करते रखते हैं, डाटा सेटिंग, शो माय ID, डाउनलोड टेम्पलेट, तो इन लोग यहाँ पे दिए हैं, अनलॉक बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे अगर ऑटो पेमेंट पे, स्टॉप ऑटो पेमेंट पे जाएंगे तो ये क्लिक कर दिए तो टिक हो जाएगा, यानी आपका टिकट बुक होने के बाद पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो फिल कैप्चा, आपने क्लिक कर दिया तो ये फिल हो जाता है। अब ये सारा करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे टिकट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको ID सेलेक्ट करनी होती है। और माफ कीजिए, मैंने यहाँ पे एक रेंडमली ID डाला है, यहाँ पे ये लोग दे लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो टाइमिंग शो होने लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ये टाइम यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, देख सकते हैं सेकंड वगैरह चल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा LW जो स्टॉप होता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वेटिंग टिकट नहीं निकलता है। यहाँ पे ऑटो कैप्चा का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑटो कैप्चा क्लिक कर देते हैं तो जो भी कैप्चा होता है वो फिल होते जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप इनवैलिड कैप्चा, अगर स्टॉप इनवैलिड कैप्चा क्लिक करते हैं तो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे क्लिक हियर से WT, आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि कितनी सीट अभी भी अवेलेबल है जब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वो लोग 100% तत्काल टिकट बुक कर ले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि उन लोग किस तरह से सॉफ्टवेयर से बुक कर जाते हैं आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो का कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।